फोन तक नहीं उठाता है, बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाए? अभी ना किया, सबके सामने किया, आपसे भी बात करें, फोन करते थे सर कोई नहीं उठाता था मेरा फोन। आपकी शादी कब हुई? शादी 2010 में हुआ है। 2010। पति आपका कहाँ रहता है? आप पति दिल्ली में रहता था, मुझे ले इसको रखने लिए आप लोग तैयार नहीं है? आपका बेटा क्या नाम है? पति दिल्ली के आ गया, पत्नी बच्चों समेत बेघर कर दी गई। घंटों तीन मासूमों के साथ चौखट पर बैठी रही, पर ससुराल वालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला। ब्याही गई थी जिस घर में, उसी घर ने पति के दिल्ली जाते ही पराया कर दिया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गोपाल गेट के समीप महिला अपने पति परमेंद्र चौधरी के घर लौटी थी, लेकिन पति के घर वालों ने घर के अंदर आने नहीं दिया। ये कहकर बाहर बैठाए रखा कि पति आए तब घर आना, अभी जहां जाना हो जाओ। दरअसल परमेंद्र दिल्ली गया हुआ है, जहां से वो एक महीने बाद लौटने वाला है। परमेंद्र के घर वालों ने उसकी पत्नी को घर के अंदर यही कहकर आने नहीं दिया कि जब परमेंद्र घर लौटे तब घर आना। महिला जूली देवी ने बताया कि 10 साल पूर्व गोपाल गेट के परमेंद्र चौधरी से शादी हुई थी, जिसमें एक पुत्र अंश कुमार 8 वर्ष का और दो पुत्री प्राची कुमारी और प्रज्ञा कुमारी 5 और 3 वर्ष की है। शादी के बाद दिल्ली में पति के साथ रह रही थी, लेकिन पति ने मायके छोड़ दिया था, उसके बाद दिल्ली रवाना हो गया। जूली को यह भनक लगी कि पति उसे हमेशा के लिए छोड़ देने वाला है, तो वो बच्चों के साथ ससुराल लौटी, लेकिन ससुराल वालों ने घर के अंदर आने तक नहीं दिया। घंटों घर के बाहर ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दो वार्ड पार्षद रामायण शरण गुप्ता व नवीन कुमार बन्नी पहुंचे। उन्होंने मामला शांत कराने की कोशिश करते हुए दोनों पक्षों से बातचीत कर हल निकाला। जूली अभी मायके चली जाए बच्चों के साथ, और जब परमेंद्र लौटे तभी वापस ससुराल आए। दोनों पक्षों को एक महीने का समय दिया गया, जिसके बाद महिला अपने माता के साथ मायके तारापुर धौनी चली गई। यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, कहीं नहीं आया, अभी भी बात उससे बोला है, सब आया, सब के बीच में भी बंद होता हूँ। तो ये आया हुआ है, इसको रखने के लिए आप लोग तैयार नहीं है? आपका बेटा क्या नाम है, जिनसे शादी हुआ? आपका बेटा का कहाँ रहता है? दिल्ली में अपना बहू है, उसको पहुँचा के गया, ये बोली कि हम तो पहुँचा के ऑपरेशन कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? ऑपरेशन कराएंगे। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुछ के क्या कीजिएगा? अरे माँ है ना, क्या नाम हुआ आपका? लड़के का माँ है ना, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा। फोन तक नहीं उठाता है, बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाए? अभी ना किया, सबके सामने किया, आपसे भी बात करें, फोन करते थे सर कोई नहीं उठाता था मेरा फोन। आपकी शादी कब हुई? शादी 2010 में हुआ है। 2010। पति आपका कहाँ रहता है? आप पति दिल्ली में रहता था, मुझे लेके आया, हम भी आ गए, मुझे नहीं पता था ऐसा करेगा, मुझे छोड़। कितना दिन पहले शादी हुआ आपका? शादी 2010 में हुआ है। 2010 के बाद यहाँ आए हैं? हाँ, कितनी बार कोशिश की, घर में रहे, घर में रहे, कितनी बार घर में रहे, कोशिश कितनी बार की है, लेकिन हमको आने नहीं दिया गया। घर में रहे, कोशिश की है सर, लेकिन जब अकेली हम लोग क्या करते हैं, आप उसको लेके आता तो हम नहीं आते। मान लीजिए जब तीन बच्चा है मेरे साथ, आज अगर ऐसा मन होता मेरा, तो हम तीन बच्चा पैदा करते हैं, बोल लीजिए मेरी बात। यहाँ कितने बार आया है? मेरा पति तो आता ही रहता है, मुझे नहीं लाता। कितने बार आए हैं? हम आए हैं सिर्फ शादी में ही, हम 2 महीना रहे, उसके बाद जो मुझे लेके गया है, हम यहाँ नहीं रह पाए। दूसरे वहाँ जब हंगामा हुआ दिल्ली में, महिला मंडल में भी मेरा कम्प्लेन हुआ वहाँ से। क्या नाम है आपका? परमेंद्र चौधरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जूली है। कहाँ का हुआ? मेरा घर तारापुर। पति से बात हो रहा है? पति से अभी बात हुई है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? 1 महीने के बाद आएगा, इसके पहले क्या खाएंगे? क्या बात हुआ? 1 महीने के बाद हम आएंगे आपको लेने के लिए। ऐसे ही बोलता रहता है। उस अवस्था में आप क्या करेंगे? वही तो हम सोच रहे हैं, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ पता नहीं, हम क्या देख रहे हैं। धरना दीजिएगा, आप धरना दिए हैं यहाँ, धरने हो गया यार, धरना दिए हैं आप, हमको तो कह रहे हैं आप धरना दिए, तीन बच्चे का सोच रहे क्या होगा इनका? आप दिल्ली में उनके साथ रह रहे थे? हाँ, रह रहे थे।